Hi guys, welcome back to another vlog from Mumbai. So this is the day 2 and यहाँ सुबह की शुरुआत हो चुकी है मस्का बन और चाय से, जो कि मुझे बहुत यमी लगा. हम लोग कोलाबा में रुके हुए हैं, वहीं पे पास में ही ये चाय की शॉप थी. बहुत अच्छी चाय है, मुंबई की चाय मुझे बहुत पसंद आई. और ये मस्का बन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और दैट इज़ सो अमेजिंग. यू मस्ट ट्राई हियर. एंड द टी स्टॉल इज नेम इज़ मैंशन हियर, सो यू मस्ट ट्राई दिस प्लेस. और आज हम जाएंगे सिद्धि विनायक से, लेट्स गो. ये शॉप कोलाबा में है और यहाँ का मस्का बन और चाय बहुत अच्छी है, बहुत यम. एंड आपको भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे पान का शॉप बहुत कॉमन है. सो दिस इज द डे 2 इन मुंबई और वी आर ऑल सेट फॉर गोइंग आउट. तो मैं अभी जा रही हूँ सिद्धि विनायक मंदिर और वहाँ पे इसलिए मैंने सूट वेयर करी है पिंक कलर की. एंड दैट्स द ज्वेलरी, दिस द लुक फॉर द डे. और फिर सिद्धि विनायक के बाद देखेंगे कहाँ जा रहे हैं. पहले तो सबसे पहला प्लान है सिद्धि विनायक का जाने का. सो लेट्स गो एंड बी विद अस. एंड सुबह सुबह गए थे बाहर, यहाँ पे मस्का बन और चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो वो पिया मैंने और मस्का बन खाए. बहुत यम था, सुपर टेस्टी. बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी. यहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी मिलती है, आई थिंक मुझे लगा दिल्ली से अच्छी मिल रही है. और दिल्ली में नॉर्मली लोग मसाला चाय प्रेफर करते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी टाइप की चाय होती है. बहुत ही यम, बहुत ही टेस्टी. और बहुत मतलब मुंबई आई एम वेरी इंजॉयिंग. पता है मैं जब बहुत छोटी थी तभी से मैं सोचती थी मुझे एक दिन ना मुंबई जाना है. और फाइनली दैट डे कम्स, आई एम सो हैप्पी, क्रॉसिंग माई फिंगर, क्योंकि मेरी खुशी को बजली नज़र लग जाती है. सो दैट्स व्हाई वेलकम टू मुंबई ट्रैफिक. मैं तो डाल मिली आज. आप तो मेरा ही मुंबई. और यहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगा है और यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा ही सीन है भाई साहब. अब ऐसे कहीं पे गाड़ी खड़ी जो 100 रुपीज़ की टिकट होती है, पर उसमें भी 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे. और ये जो लाइन है यहाँ पे ये है 100 रुपीज़ वाली. और बाहर थी जनरल लाइन जिसमें बहुत ज़्यादा और ही भीड़ था, तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे. लेकिन कैसा लग रहा है? भगवान के पास वैसे मिल गया, नहीं तो पता नहीं है ना. और कैसे मैंने बोला हार हो गया. Thank you.
कौन है स्पॉइलर? पुनीतवा पुनीतवा तुम स्पॉइलर निकला रे। हाँ जी That's it for our day. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।